हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वैभव और मैं इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल के ट्रांसफॉर्मर सीरीज में आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर का दूसरा पार्ट जिसका नाम है रिवेंज ऑफ द फॉलन। दोस्तों, ये PG-13 की मूवी है और 2009 में रिलीज हुई थी। एक्शन और एडवेंचर इस मूवी में आपको दिखने मिलेगा, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, 17,000 BC में प्राइम्स अपना एनर्जी सन हार्वेस्टर से ले लेते हैं, जो मशीन थी जो स्टार्स को कंज्यूम करके उनका एनर्जी हार्नेस करती थी। प्राइम्स ने एक रूल बनाया था कि कभी वो कोई स्टार को डिप्लीट नहीं करेंगे जो लाइफ सस्टेन करता हो। एक प्राइम ने एक रूल को वायलेट करने की कोशिश की और अर्थ पे एक सन हार्वेस्टर बनाया, जिसके लिए उसको बाकी 6 प्राइम ने इम्प्रिजन कर दिया और उसको द फॉलन ओरिजिनल डिसेप्टिकॉन्स कह दिया। इसके बाद 2009 में ये शुरुआत होती है। मिशन सिटी के बैटल के 2 साल बाद ऑटोबॉट्स और ह्यूमंस ने नेस्ट नॉन बायोलॉजिकल एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल स्पेशल ट्रीटी बनाया था। ये क्लासिफाइड इंटरनेशनल जॉइंट टास्क फोर्स जो रिमेनिंग डिसेप्टिकॉन्स को इलिमिनेट करता था, उनमें से 2 साइडवेज और डिमोलिशर शंघाई में डिफीट हुए थे। लेकिन डिमोलिशर ने मरने से पहले द फॉलन शॉल राइज अगेन ये कहा था। एक मिलिट्री सैटेलाइट को डिसेप्टिकॉन्स साउंड वेव हैक करता है और डिसेप्टिकॉन्स डियागो गार्सिया में US नेवी बेस से ऑल स्पार्क लास्ट टुकड़ा चुरा लेते हैं और उसे मेगाट्रॉन को रिजर्ट करते हैं और अपने ही एक मेंबर को किल करके उसके बॉडी के लिए पार्ट्स देते हैं। एक फॉलन मेगाट्रॉन और उसके सेकंड इन कमांड स्टारस्क्रीम को सैम विडविकी को अलाइव कैप्चर करने की और ऑप्टिमस को किल करने के लिए भेजता है। सैम अब एक कॉलेज स्टूडेंट है, साइबरट्रोनियन सिंबल्स देख रहा है जिससे उसने एक छोटा सा ऑल स्पार्क का टुकड़ा हाथ में पकड़ा था। मेगाट्रॉन बिलीव करता है कि ये सिंबल डिसेप्टिकॉन्स को एक नया एनर्जॉन सोर्स तक ले जाएंगे। शार्ड सैम के किचन अप्लायंसेस को लाइफ में लाता है जो सैम और उसके पेरेंट्स को किल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बम्बल भी उन्हें बचा लेता है। सैम शार्ड को अपनी गर्लफ्रेंड मकेला बेन्स को देता है जो बाद में डिसेप्टिकॉन्स विली को कैप्चर करती है। जब वो शार्ड चुराने की कोशिश करता है, एलिस एक डिसेप्टिकॉन्स प्रिटेंडर जो एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले कर रही थी, सैम उसके रूममेट लियो और मैकेला को कैप्चर करती है, लेकिन ऑप्टिमस और बम्बल भी उन्हें बचा लेते हैं। मेगाट्रॉन ने ऑप्टिमस को मार दिया और डिसेप्टिकॉन्स ने दुनिया भर में तबाही मचा दी। जब मेगाट्रॉन और साउंड वेव ने अर्थ के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया था, जिससे फॉलन्स ने ह्यूमन को एक मैसेज भेजा कि सैम को उसके पास भेज दो। सैम, मैकेला और लियो ने एलियन एक्सपर्ट और फॉर्मर सेक्टर 7 के एजेंट रोबो वॉरियर सिमंस को ढूंढा और बताता है कि ट्रांसफॉर्मर्स ने अर्थ पे बहुत पहले ही आके छुप गए थे और सबसे पुराने जिनको सीकर्स कहते हैं वो अर्थ पे ही रह गए। विली की मदद से उन्होंने स्मिथसोनियन एयर एंड स्पेस म्यूजियम में एक बुढ़ा डिसेप्टिकॉन्स ऑटोबॉट सीकर जेटफायर को ट्रैक किया। उन्होंने अपना वो टुकड़ा उसे जेटफायर को रिवाइव करने के लिए यूज किया जो सभी को इजिप्ट में टेलीपोर्ट कर देता है। जेटफायर के साथ साथ विली भी ऑटोबॉट्स का साथ देता है और जेटफायर उन्हें मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को लोकेट करने के लिए भेजता है जो सन हार्वेस्टर का की था और वो की ऑप्टिमस को भी रिवाइव कर सकता था। ग्रुप मैट्रिक्स को अकाबा में ढूंढता है जिसको 6 प्राइम्स ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके छुपाया था, लेकिन वो छोटी सी रेत में बिखर जाता है। इसी बीच नेस्ट फोर्सेस और ऑटोबॉट्स गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स के पास लैंड करते हैं और डिसेप्टिकॉन्स का भी वहां पर अटैक होता है। द कंस्ट्रक्टिकॉन्स कंबाइन करके डिवास्टेटर बन जाता है जो पिरामिड के अंदर छुपा हुआ सन हार्वेस्टर रिवील करता है। उससे डिस्ट्रॉयर होने से पहले डिसेप्टिकॉन्स का ज्यादातर हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। मोस्टली नेवी और US एयर फोर्स से डिसेप्टिकॉन्स का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो जाता है, लेकिन मेगाट्रॉन सैम को जख्मी करता है और मौत के करीब जाते हुए सैम के साथ प्राइम्स बात करते हैं। कहते हैं कि मैट्रिक्स ऐसे नहीं मिलता है, ये मैट्रिक्स अर्न करना पड़ता है और कि वो पाने का उसे हक है। वो सैम को रिवाइव करते हैं और उसको मैट्रिक्स देते हैं जिसको वो ऑप्टिमस को जीवन प्रदान करने के लिए यूज करता है। द फॉलन मैट्रिक्स को कमजोर ऑप्टिमस से चुरा लेता है और उससे सन हार्वेस्टर को एक्टिवेट करता है। एक जख्मी जेटफायर अपने आप को सैक्रिफाइस करता है ताकि उसके पार्ट्स ऑप्टिमस को एक्स्ट्रा पावर और फ्लाइट दे सके। ऑप्टिमस सन हार्वेस्टर को डिस्ट्रॉय करता है और द फॉलन को भी मार देता है। हेविली डैमेज और अपने मास्टर की मौत से दुखी मेगाट्रॉन स्टारस्क्रीम के साथ भाग जाता है। द ऑटोबॉट्स और उनके साथियों ने अमेरिका को वापस जाना है और मैकेला, सैम और लियो कॉलेज में लौट आते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ट्रांसफॉर्मर सीरीज का दूसरा पार्ट रिवेंज ऑफ द फॉलन खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।